छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद से ही लगातार अंचल के प्रतिभाओं को सम्मान देने के लिए और जो यहाँ के महापुरुष रहे हैं उनके नाम को चिरस्मृति बनाने के लिए लगातार अनेक अनेक पुरस्कारों की घोषणा होती रही है, उनके नाम पर सम्मान और अलंकार दिए जाते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज की वीडियो केंद्रित है राज्य शासन के सम्मान एवं पुरस्कार पर। इसके पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने राज्य शासन की योजनाओं पर चर्चा की थी और राज्य शासन के अलग तरह की योजनाओं के बारे में उस वीडियो में काफी विस्तार से हमने बात की थी, जिसमें न केवल वर्तमान सरकार बल्कि पुराने सरकार की योजनाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया था। अब की बार इस वीडियो में हम और आप बात करेंगे राज्य शासन के सम्मान एवं पुरस्कारों के बारे में। राज्य शासन ने जो 2000 में गठन के बाद सन 2001 से पुरस्कारों की एक श्रृंखला शुरू की है, सम्मानों की श्रृंखला शुरू की है और शुरू में कम इनकी संख्या कम थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये संख्या अच्छी खासी हो गई है। इसलिए आपको परीक्षा के दृष्टि से जब तैयारी करेंगे तो 2001 से लेकर के आज तक के जो पुरस्कार मिले हैं जिन जिन क्षेत्रों में दिए गए उन पर पूरा आपको तैयारी करना जरूरी हो जाता है। कुछ बिंदुओं को हम इस वीडियो में टच करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला सवाल है, मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपको यह बताना है कि मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन है आदिवासी विकास के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है महिला उत्थान के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है सहकारिता के क्षेत्र में और चौथा डी जो है वो ऑप्शन डी है, संगीत एवं कला के क्षेत्र में। तो आप इनको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन नजर आएगा, महिला उत्थान के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है मिनी माता सम्मान। मिनी माता के बारे में थोड़ा सा जान लें, अगर हम इस सम्मान के बारे में थोड़ा समझना चाहें तो मिनी माता को जो जन्म है वो है, ईयर ऑफ बर्थ अगर मैं बात करूं तो 1913 और ईयर ऑफ डेथ की अगर मैं बात करूं तो ये है 1972। ये दो चीजें उसके बारे में पहले आप जान लें जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। मूलतः ये असम की रहने वाली थी और उसके बाद इनका विवाह जो है वो छत्तीसगढ़ में हुआ। इनका विवाह हुआ छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के गुरु अगमदास से। सतनामी समाज के ये गुरु थे। मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दूं, इनके साथ इनका विवाह हुआ और विवाह के बाद वो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन, दलित उत्थान और महिला सुधार, समाज सुधार, इन सब कार्यों में उनके साथ वो लग गई। 1952 में अगमदास जी का निधन हुआ और उसके बाद सारंगढ़ की सीट में ये सांसद बनी और प्रथम महिला सांसद के रूप में इन्होंने अच्छा काम किया, उल्लेखनीय काम किया। छत्तीसगढ़ से पहली महिला सांसद रही ये और उसके बाद 1952 से लेकर के 1972 तक ये राजनीति में सक्रिय रही। उसके बाद 1972 में इनकी भोपाल से दिल्ली जाते हुए पालम हवाई अड्डे में विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया। तो ये इनका थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड है। उसके बाद उनकी स्मृति में सन 2001 से ये पुरस्कार दिया जाता है उनकी स्मृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए। महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने वालियों को ये मिनी माता सम्मान दिया जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपके लिए काम की होगी। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आपको क्षेत्र बताना है किस क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास, सामाजिक समरसता, किसान प्रोत्साहन और सी है साहित्य के क्षेत्र में, डी है संगीत एवं कला के क्षेत्र में। आपको ये बताना है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, सामाजिक समरसता, किसान प्रोत्साहन, साहित्य या संगीत एवं कला। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और सन 2001 से ही दिया जाता है। सन 2001 में पहली बार सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पे पुरस्कार दिया गया था। इनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ईयर ऑफ बर्थ जो है वो इनका आता है 1881 और ईयर ऑफ डेथ जो आता है
वो है 1940। छत्तीसगढ़ में जनजागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में इनका नाम रहा है। वे कवि थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक और उसके अलावा समाज सेवा, इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे इनके नाम के साथ इनका विभूषण लगा हुआ है। और अगर एक और प्रश्न के साथ मैं जोड़ता चलूं, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, इनको छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का गांधी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब गांधी जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपने प्रवास में आए थे, तो इनके दलित उद्धार और अछूत उद्धार के काम को देखकर उन्होंने कहा था कि जो काम मैं चालू कर रहा हूँ उसको तो आपने यहाँ पे काफी पहले ही कर दिया है। तो इस नाते इनको छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको ये काम आए। आपके इस प्रश्न के लिए अगर आप उत्तर खोजें तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब एक कुछ आपको पेयर्स दिया गया है, इन पेयर्स में आपको ये पहचानना है कि कौन सा पेयर, यानी कि ए बी सी डी में से कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्ट पेयर नहीं है। पहला है वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी शिक्षण समिति, गुंडा दूर सम्मान आशीष अरोरा, सी है रविशंकर शुक्ल सम्मान केयूर भूषण, और डी है सुंदरलाल शर्मा सम्मान हरि ठाकुर। पहला जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही है, वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी शिक्षण समिति को दिया जा चुका है, गुंडादूर सम्मान आशीष अरोरा को मिला है ये भी बिल्कुल सही है, रविशंकर शुक्ल सम्मान केयूर भूषण को दिया गया है ये भी सही है, अंतिम जो आपका कॉम्बिनेशन है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान हरि ठाकुर को नहीं मिला है, ये कॉम्बिनेशन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस नाते आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट चॉइस होगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। एक और उसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब ये कुछ आपके पास पेयर हैं, चार पेयर हैं, चार में से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है ये आपको पहचानना है। पेयर आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी, सारे पेयर्स में सम्मान का नाम है, सम्मान के साथ संबंधित विभाग का नाम है, जो विभाग जो मंत्रालय इसको प्रदान करता है या व्यवस्था करता है उसका नाम दिया गया है। चक्रधर सम्मान संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, बी में दानावीर भामाशाह सम्मान समाज कल्याण विभाग, सी में धर्मांतरी सम्मान वित्त विभाग, डी में बिलासाबाई सम्मान मत्स्य विभाग। ये चार कॉम्बिनेशन आपके सामने है, आपको पहचानना है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, सुमेलित नहीं है ये पहचानना है। चक्रधर सम्मान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग इसको स्पॉन्सर करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सही कॉम्बिनेशन है। दानवीर भामाशाह सम्मान जो है समाज कल्याण विभाग की ओर से दिया जाता है ये भी बिल्कुल सही है। बिलासाबाई सम्मान बिलासाबाई केवट सम्मान है दरअसल ये, और ये मत्स्य विभाग की ओर से दिया जाता है बिल्कुल सही है। अब आप अटक जाएंगे धन्वंतरी सम्मान में, धन्वंतरी सम्मान वित्त विभाग की ओर से नहीं दिया जाता बल्कि ये आयुर्वेदिक के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिया जाता है, तो ये स्वास्थ्य विभाग या आयुष विभाग की तरफ से जाएगा, ये वित्त विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप धन समझ के धन्वंतरी पर टिक न लगाएं। यही आपका ऐसा ऑप्शन है जो सही कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो आपका आंसर होता है सी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है। पंडित लखनलाल मिश्रा सम्मान, बी यति यतनलाल सम्मान, सी बिसाहूदास महंत पुरस्कार, और डी है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। आपको पहचानना है कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए में ही छुपा हुआ है, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान जो है वो अपराध अनुसंधान की क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसको गृह विभाग प्रदान करता है, गृह विभाग की ओर से ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 में अगर मैं बात करूं तो ये मिला है कुंदन लाल गौर को, ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये नेवई जिला दुर्ग के हैं, तो ये इतनी जानकारी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने संदर्भ के लिए ताकि आपको ये काम आए। क्षमा करें थोड़ा सा स्क्रीन का दिक्कत आ गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यस यस नाउ इट इज करेक्ट। तो ये गृह विभाग की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार है पंडित लखनलाल मिश्रा सम्मान, जो कि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अलंकरण किस वर्ष नहीं प्रदान किए गए। 2001 से छत्तीसगढ़ शासन जो है वो हर साल छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से
अलंकरण या सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्र से विभूतियों को सम्मानित किया जाता है। एक साल ऐसा था जब पुरस्कार नहीं दिया गया था, आपको ये बताना है कि वो कौन सा साल था, 2002, 2016, 2013 या फिर ऑप्शन डी 2018। इसका सही जवाब है 2018। 2018 में किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक या साहित्यिक या भी किसी भी अन्य क्षेत्र के किसी भी अन्य विधा के किसी भी व्यक्ति को कोई पुरस्कार या सम्मान या अलंकरण नहीं दिया गया था। इसका कारण यह था कि 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के चलते उस वक्त आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता लगे होने के कारण उस वर्ष यानी कि उस साल में किसी भी तरह का कोई समारोह, शासकीय समारोह का आयोजन नहीं किया जा सकता था, जिसके चलते उस पुरस्कारों की घोषणा या सम्मान समारोह नहीं हुआ था। आदिवासी विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, आपको चार पुरस्कारों की सूची दी गई है, चार में से आपको तय करना है। ऑप्शन ए है वीर नारायण सिंह सम्मान, बी है गुरु घासीदास सम्मान, सी है भंवर सिंह पोर्ते सम्मान और डी है संत गहिरा गुरु सम्मान। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है वीर नारायण सिंह सम्मान। आदिवासी विकास और उनके उत्थान के लिए जो सम्मान है वो वीर नारायण सिंह के नाम पर दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अग्रणी रहे और आदिवासी विकास के क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान रहा, स्वयं आदिवासी नेता रहे। तो इनको वीर नारायण सिंह सम्मान आदिवासी विकास एवं कल्याण के नाम पर प्रदान किया जाता है। ये इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है जो व्यक्ति इस क्षेत्र में अच्छा काम करता है, व्यक्ति हो या संस्था हो। अगला प्रश्न थोड़ा सा हटकर है, हटकर इन द सेंस अभी तक जितने फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हम प्रश्न पूछ रहे थे उस फॉर्मेट से थोड़ा सा हटकर है। पहला है ए ऑप्शन, आपको ये पता नहीं कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, केवल एक जोड़ा ही सही है उसको आपको आइडेंटिफाई मत करना है। तो प्रश्न यही लिखता है इनमें से केवल एक जोड़ा सही है, बताओ कौन सा जोड़ा सही है। मतलब एक आपको पेयर दिए गए हैं, चार पेयर हैं, चार में से तीन पेयर गलत हैं, आपको उस एक सही पेयर को पहचानना है जो सही है। पहला ए में दिया है आपको दाऊ बंदरा जी सम्मान विनोद कुमार शुक्ल, बी दिया है धन्वंतरी सम्मान डॉक्टर रतनलाल जांगड़े, सी दिया डॉक्टर घूपचंद बघेल सम्मान झाड़ूराम देवांगन और डी दिया चक्रधर सम्मान किशोरी अमोनकर। दाऊ मंदरा जी सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को कभी नहीं मिला है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये जो सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र का नहीं है। धन्वंतरी सम्मान रतनलाल जांगड़े को कभी नहीं मिला है, हालांकि नाम के साथ डॉक्टर जुड़ा हुआ है परंतु ये साहित्य के स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंध नहीं रखते। खूबचंद बघेल सम्मान झाड़ू राम देवांगन को कभी नहीं मिला, तो ये भी कॉम्बिनेशन गलत है। अंतिम जो डी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं चक्रधर सम्मान, किशोरी अमोनकर गायिका हैं, शास्त्रीय गायिका हैं और इनको चक्रधर सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये कॉम्बिनेशन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब बाकी जो प्रश्न रहे उनसे हट करें, टिपिकल क्यों कहूं, थोड़ा सा हट गया है उनसे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ शासन पुरस्कार देती है, आपको यह आइडेंटिफाई करना है इस पुरस्कार का नाम क्या है या ये जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा सही होगा। पहला दिया चंदूलाल चंद्राकर स्मृति सम्मान, बी है माधवराव सप्रे स्मृति सम्मान, सी है मधुकर खेर स्मृति सम्मान और डी है उपरोक्त तीनों सम्मान। क्या ये तीनों सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं? अगर तीनों सम्मान सही है तो आपको ऑप्शन डी में टिक लगाना है और अगर इनमें से कोई स्पेसिफिक एक ही सम्मान सही है तो आपको उसको टिक लगाना है। तो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल सही है, ये आपको हिंदी पत्रकारिता में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मधुकर खेर स्मृति सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है लेकिन ये अंग्रेजी पत्रकारिता में दिया जाता है, मतलब अंग्रेजी माध्यम के जो समाचार पत्र हैं उसमें जो पत्रकारिता हो रही है उसके लिए दिया जाता है मधुकर खेर स्मृति सम्मान। और माधवराव सप्रे के नाम पे हालांकि ये पत्रकार रहे हैं, छत्तीसगढ़ में प्रिंट के इनके द्वारा प्रकाशित पहली पत्रिका रही है,
परंतु फिर भी इनके नाम पर कोई पुरस्कार या सम्मान पत्रकारिता में नहीं दिया जाता। तो इस नाते ये आपका सही उत्तर हुआ। और आखिरी जो उत्तर था उपरोक्त तीनों सम्मान, तो वैसे ही गलत हो जाता है जब ये सम्मान सही होता है, और ये सम्मान सही नहीं है और बाकी दो सम्मान सही है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आप इसको टिक कर सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें कुछ 8-10 सवाल हमने लिए और अलग तरह से राज्य शासन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों, अलंकरणों और सम्मानों की बात की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल पर बने रहिए, आगे आने वाले दिनों में पटवारी चयन परीक्षा, लोक सेवा आयोग की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में जिसमें JSSB की परीक्षाएं भी शामिल है से संबंधित सामग्री आपको इस चैनल पर देखने सुनने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में भी आपकी राय जानना चाहूंगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।